हैप्पी नवरात्रि दोस्तों आप लोग कैसे हैं उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मस्त होंगे अन्नपूर्णा किचन टिप्स में आप लोगों का स्वागत है आइए आज की रेसिपी शुरू करते हैं नवरात्रि स्पेशल रेसिपी है इस समय अधिकांश लोग व्रत रहते हैं तो सोचते हैं क्या बनाएं यहाँ देखिए आलू उब उबले हुए आलू को मसल के रख लिए हैं और ये है साबुदाना को चार से पाँच घंटा इसको भिगो दिए थे ऐसे तीन चार घंटे में भिगो के रखने पे फूल जाता है अच्छे तरह से तो इसको चार पाँच घंटा पहले ही मैं भिगो के रख दी थी इसमें साबुत जीरा डालेंगे और कटी हुई हरी मिर्च हरी धनिया भी डाल सकते हैं पर यहाँ मेरे पास हरी धनिया इस समय उपलब्ध नहीं थी तो नहीं डाली हूँ हरी धनिया भी डाल सकते हैं और इसमें देखिए ये, ये आटा है कुट्टू का आटा या सिंघाड़े का आटा आप डाल सकते हैं और दरदरा दरा मंगफली भी डाल सकते हैं इसमें ये देखिए और इसमें नमक डालेंगे सीधा नमक बहुत ही ईजी तरीके से ये रेसिपी बन जाता है व्रत में खाने वाला और पेट भी बढ़ जाता है हेल्दी टेस्टी होता है और बहुत ही कम समय कम सामान में बन जाता है कोई झंझट नहीं होता है बस सब दाना को थोड़ी देर पहले भिगो दीजिए और आलू उबले हुए और सिंघाड़े के आटा से हल्का सा डाल दीजिए और मिक्स करके इसको इस तरह से टिक्की बना के और तल लीजिए देखिए ब्राउन होने तक ऊपर से एकदम कुरकुरा रहता है अंदर से सॉफ्ट बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों एक बार आप लोग भी बनाइएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये रेसिपी कैसा लगा अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा